आप चाहे मलाई घेवर बनाना चाहते हो या प्लेन घेवर, और घेवर बनाने में जो भी दिक्कत आती है ना बनाने में, वो सब दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा मेथड बताने वाली हूँ जिससे परफेक्ट घेवर आप घर पे बहुत ही सस्ते में मार्केट से भी अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना हम इसके लिए घेवर के लिए रबड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क को ना गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे आप चौड़े साइज का भगोना लीजिए, इसमें जल्दी से ये रबड़ी बन जाती है। इसे आपको तब तक पकाना है ना जब तक इसकी क्वांटिटी हाफ रिड्यूस ना हो जाए। आधा किलो कर लेना है इसको। बीच बीच में ना आप इसे चलाते रहे और मलाई को भी स्क्रैच करके सिम डालते रहे। अब मैंने यहाँ पे ले लिया ड्राई फ्रूट्स, कैश्यू, आलमंड और पिस्ता। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसको हम दूध में डाल देंगे। इससे रबड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसकी जो क्वांटिटी है ना आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम और पकाएंगे जब तक इसकी क्वांटिटी 1/3 ना हो जाए। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, इससे रबड़ी का टेस्ट और ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो जाता है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी क्वांटिटी को अच्छे रिड्यूस कर लिया है, 1/3 इसकी क्वांटिटी रह गई है। तो अब आपको इसमें डालना है चीनी। तो यहाँ पे 4 से 6 चम्मच चीनी आप आराम से डाल सकते हैं। दूध गाढ़ी होने के बाद वो भी मीठी हो जाती है, इसलिए आप मैंने यहाँ पे 6 चम्मच चीनी डाल दिया है। और यहाँ पे डाला है 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इससे रबड़ी का जो टेस्ट है और जो उसकी कंसिस्टेंसी हो अच्छी हो जाएगी, रबड़ी की थिकनेस आ जाती है कॉर्नस्टार्च डालने के बाद। इसको हम और बॉयल कर लेंगे 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे देखिए इसका जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल परफेक्ट है, ना गाढ़ी ना पतली। इस स्टेज पे आने तक आपको रबड़ी को अच्छे से पका लेना है। इससे ज़्यादा आप ना पकाएं क्योंकि रबड़ी ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब मैंने पैन में डाल दिया है 1 कप चीनी और इसका जस्ट हाफ यानी कि हाफ कप उसी कप से आपको पानी डाल देना है। यहाँ पे आपको 2:1 का रेशो रखना है शुगर और पानी का। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करके इसे आप बॉईल कर लीजिए। बीच बीच में आप चलाते रहिए गैस की फ्लेम को, आप यहाँ पर मीडियम हाई रखें। यहाँ पे से आपको तब तक पकाना है ना जब तक कि इसमें एक तार की चाशनी ना बन जाए। तो इसको ना और ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको सैफरन पसंद है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सैफरन भी डाल सकते हैं। इससे इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा जाएगा। तो मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। यहाँ पे देखिए एक तार की चाशनी बन गई है। इससे ज़्यादा आपको इसे नहीं पकाना है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। अब आपको लेना है यहाँ पे एक बड़े साइज की बर्तन। मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया हुआ है, इसमें आपको डालना है 1/4 कप घी। घी जो है आपका हल्का सा गर्म रखें यहाँ पे। तो हल्का सा मैंने घी को गर्म कर लिया है, उसे मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है। अब आप इसमें डाल दीजिए आइस क्यूब। तो मैंने एक बड़े साइज के आइस क्यूब को इसके अंदर डाल दिया है और इसे आपको ना अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। इससे क्या होगा ना कि जो घी है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इसी से हमारा जो घेवर है ना बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पे इसे आप इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे देखिए घी का जो कलर है बिल्कुल वाइट हो गया है। तो यहाँ पे मैं आइस को निकाल रही हूँ और यहाँ पे पानी आपको दिख रहा है ना, इसको भी आपको निकाल लेना है। इसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और यहाँ पे घी को आप एक जगह ऐसे इकट्ठा कर लीजिए। घी का कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट हो गया है। तो अब आपको ना क्या करना है कि एक विस्का ले लेना है या फिर आप हाथों से भी ना इसे अच्छी तरह से मिक्स करिए एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए, जिससे जो आपका ये घी है ना बहुत ज़्यादा एयरी हो जाएगा। जैसे क्रीम को हम फेरते हैं ना तो बिल्कुल प्लफी सा हो जाता है, वैसे ही आपको इसको कर लेना है। बिल्कुल ये मखमल सा लगने लगेगा, तब तक आपको इसको अच्छी तरह से फेर लेना है। यहाँ पे इसके कलर और टेक्सचर को आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा हो गया है। तो इसे हम इस स्टेज पे आने तक आपको इसे एक ही डायरेक्शन में इसे फेर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका घेवर बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। तो मैं यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब आपको ना मैदा लेना है 1 कप, छना हुआ मैदा लीजिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा मैदा डालिए, एक ही बार में आपको पूरा मैदा नहीं डालना है। और यहाँ पे मैंने चिल्ड मिल्क लिया है 1/2 कप, उसमें से थोड़ा सा डालेंगे। इसको एक बार अच्छी तरह से घी में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे काम ना ये आप मिक्सी जार में भी कर सकते हैं, पर ऐसे आप हलवाई लोग जो होते हैं ना इसी तरह से करते हैं तो उनका बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनता है। तो मैंने यहाँ पे फिर से मैदा डाल दिया है और दूध डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा मैदा और दूध, ठंडा दूध लेके आपको इसमें डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। एक ही बार में आप डाल देंगे ना पूरा मैदा और दूध तो आप अच्छे से मिक्स कर नहीं कर पाएंगे, तो इसमें गुठलियाँ सी आ जाएंगी जो कि घेवर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा डालें, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने पूरा मैदा और 1/2 कप चिल्ड दूध डाल के इसे मिक्स कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब आपको डालना है इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें घेवर से बहुत बढ़िया टेस्ट और कलर आता है। यहाँ पे हम छने हुए बेसन का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल स्किप ना करें, बेसन को छान के ही डालें और इसे आप अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लीजिए।
तो यहाँ पे देखिए बेसन मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब आपको डालना है चिल्ड पानी, बिल्कुल बर्फ़ वाला जो पानी होता है ना वो आप डालिए एक कप। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे जो घेवर का जो बैटर होता है ना बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो यहाँ पे मैंने एक कप डाला है। यहाँ पे देखिए गाढ़ा सा दिख रहा है, ऐसा आपका घेवर का बैटर नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ना दो कप और चिल्ड पानी डाल देना है। यहाँ पे एक कप मैदे के लिए 2.5 से 3 कप पानी लग जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना जैसे छाछ होता है ना वैसी होती है, या पतला दूध होता है वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मल लिया है, तो मैंने इसे छाना नहीं है। अगर आपके बैटर में कुछ गुठलियाँ हैं तो उसे आप छान लीजिए। और अब आपको लेना है आइस क्यूब और उसके ऊपर ना इस बैटर को रख देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप घेवर बनाएं ना आपका बैटर बिल्कुल चिल्ड रहेगा, तभी उसमें परफेक्ट जाली आएगी। यहाँ पे मैं आपको फिर से इसके घोल को दिखा रही हूँ कि कितना पतला होना चाहिए। अब आप इसमें डाल दीजिए लेमन जूस। अगर आप छोटे साइज का लेमन ले रहे हैं तो आप यहाँ पे एक पूरा नींबू का रस डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बड़े साइज का नींबू है तो आप यहाँ पे आधा डालिए। बीज को आपको निकाल देना है, इसलिए मैं यहाँ पे छन्नी से डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे अगर आपको देर में बनाना है तो इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसमें आइस क्यूब डाल के इसको ठंडा कर सकते हैं, पर मैं अभी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे आइस क्यूब को निकाल दिया है। जब भी आप घेवर बनाएं आइस क्यूब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब तेल को यहाँ पे मैंने गर्म कर लिया है। वैसे तो घेवर प्योर घी में बनता है तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आपको जो पसंद हो घी या तेल उसमें आप इसे बनाइए। सरसों तेल का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, रिफाइंड ऑयल का यूज़ करें। और यहाँ पे ना आप तेल की क्वांटिटी देखिए, मैंने हाफ पैन से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। परफेक्ट घेवर बनाने के लिए तेल का जो क्वांटिटी है ना वो भी मैटर करता है। तेल आपका बिल्कुल गर्म होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल आपको हाई रखना है, और जब ये सेटल हो जाए ना, जैसे आप डालें और सेटल हो जाए तब आपको फिर से यहाँ पे बैटर को डालना है थोड़ी थोड़ी देर पे। और यहाँ पे मैं छोटा सा घेवर बना रही हूँ, इसलिए मैं जो चाय की जो पैन होता है ना जिसे हम चाय बनाते हैं उसमें मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जो भी बर्तन है आप उसमें बना सकते हैं, आप कढ़ाई में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 16 से 17 बार बैटर को डाल दिया है। यहाँ पे देखिए किनारे से हल्का सा पक गया है, तो मैं इसे चाकू से ऐसे छुड़ा लेंगे। जब ये हल्का सा कच्चा होता है ना तो ये आसानी से टूट जाता है, अगर ये पक जाएगा तब आप छुड़ाएंगे तो ये टूट सकता है, इसलिए आप इसे कुछ देर पकने के बाद आप इसे छुड़ा लीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से ये नीचे चला गया है, और इसे हम डीप करके ना इसे अच्छे तरह से पकाएंगे। इस टाइम पे ना गैस की फ्लेम को आप मीडियम हाई रखें, और इसे अच्छे तरह से जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए ना तब तक आपको इसे अच्छे तरह से पकाना है। यहाँ पे देखिए इसका कलर बहुत प्यारा आ गया है, बहुत अच्छी इसमें जाली आ गई है, तो आपको इसे ऐसे निकाल लेना है। आप घर पे बिना मोल्ड के बिना किसी टेंशन के घर पे बहुत ही आसानी से घेवर बना सकते हैं। तो मैंने इसे एक रख दिया छन्नी पे, जिससे क्या होगा ना इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। अगर आपके पास ऐसा पैन नहीं है तो आप सेम भगोना ले सकते हैं, सेम आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको बैटर डालना है। तो इसमें देखिए बैटर डालने के लिए जगह नहीं, तो मैं यहाँ पे चाकू से ऐसे हम हल्का सा गोला सा बना देंगे जिसमें हम बैटर को डाल सकें। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को हाई रख के बैटर को डालेंगे, और इसे सेटल होने तक आपको इंतज़ार करना है। जब ये बुलबुले बंद हो जाए तब आपको फिर से इसमें बैटर डालना है। अगर लग रहा है कि इसमें बैटर डालने की जगह नहीं है तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे किनारे से अच्छे से पक गया है, तो हम इसे ऐसे छुड़ा देंगे, और इसे हम डीप करके इसे पकाएंगे तेल में। इसे आपको बहुत ही हल्की हाथ से ना आपको इसको अच्छी तरह से नीचे की तरफ प्रेस करना है, जिससे ये इसे तेल में डूब के अच्छी तरह से पके और ये क्रिस्प हो जाए। यहाँ पे इसका कलर देखिए ब्राउन कलर का हो गया है, तो इसे हम ऐसे निकाल देंगे। पीछे साइड आपको कलछी रखनी है, उस पर आप वेट देके ऐसे चाकू की हेल्प से आप निकाल सकते हैं, या फिर आप बेलन की हेल्प से भी इसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट जाली बनी है, तो इसे ऐसे ही आपको अपने सारे घेवर को बना के तैयार कर लेना है। बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कभी कभी होता है कि एक दो घेवर खराब हो जाते हैं, बाद में परफेक्ट बन लगते हैं, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से बनाना है। तो यहाँ मैंने सारे घेवर बना लिए हैं। एक कप मैदा में ना आप आराम से 4 से 5 आप घेवर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपका घेवर हल्का सा ठंडा हो जाए ना तब आपको इसमें चाशनी को डाल देना है, उसके बाद इस पर आपको रबड़ी को लगा देना है। तो रबड़ी भी हमारी देखिए गाढ़ी सी हो गई है, तो इस पर हम अच्छी तरह से फैला देंगे, और इसके ऊपर आप जो भी ड्राई फ्रूट रखना चाहें ना आप रख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे चांदी का वर्क रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा केसर भी रखा हुआ है। तो हमारा मलाई घेवर तो बनके रेडी है। तो अब मैं आपको ना प्लेन घेवर बताती हूँ। सेम ऐसे आपको इस पर शुगर सिरप डाल देना है, और इसके ऊपर जो भी आप ड्राई फ्रूट्स लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, पर घर पे आप बहुत ही कम खर्चे में 1 कप मैदे से और 4 चम्मच घी से आसानी से बना सकते हो। तो आपके पास है उससे आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।